गोपालगंज पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब नेपाल से गोपालगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश के लिए ले जाए जा रहे करीब 265 किलोग्राम चरस को 3 नेपाली तस्करों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ से ज़्यादा आंकी जा रही है। वहीं एक चोरी की पिकअप वैन भी जब्त की गई है। जिला पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि भारी मात्रा में चरस की बरामदगी की गई है तथा इस टीम में शामिल सभी पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस के द्वारा दो बड़ी सफलता हासिल की गई। हमारा अपराधियों और जो मादक पदार्थ के जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में आज कुचाईकोट थाना अंतर्गत वेलथरी चेक पोस्ट के पास एक पिकअप वाहन से लगभग 264 किलोग्राम चरस की बरामदगी की गई है। और उसमें उस पिकअप वाहन को इस तरह उसके अंदर एक बॉक्स बना के ले जाया जा रहा था यूपी की तरफ इस तरीके से, ताकि वो खाली पिकअप वाहन लगे और लोगों को उस पर शक ना हो। और हम लोग को आसूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी गतिविधि है और इस तरीके से चरस ले जाए जाने की योजना है, तो हम लोगों ने टीम बना के तुरंत वाहन चेकिंग प्रारंभ की और इस दौरान ये इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये कहाँ ये तीनों? हाँ, नेपाली नागरिक हैं। ये ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश और उसके और आगे तक इनको पहुंचाने की योजना थी। हम लोग अभी भी पूछताछ कर रहे हैं और उसके संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये नेपाल से आ रही थी और तीनों जो पकड़ाए हुए अपराधी हैं वो भी नेपाल के हैं। कितनी कीमत होगी सर इसकी? कीमत हमने चेक किया वेबसाइट पर भी, तो अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दिखा रहे हैं, कहीं 1 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में है। और कितने करोड़ है वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये बहुत करोड़ों में इसकी कीमत। पूछताछ के दौरान क्या इन्होंने कुछ बताया कि इसके पहले भी ले गया है या? हाँ, उस संदर्भ में भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं हमारी टीम लगातार, और इस संदर्भ में भी जो भी जानकारी आएगी आप लोगों से।